नमस्कार हेलो फ्रेंड्स, कक्कर खाने से में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की ऐसी टेस्टी सब्जी जो कि आपको बहुत बहुत पसंद आएगी, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर से पोंछ के इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। दोस्तों हमने शिमला मिर्च को कैसे इस तरह से कट करें इस तरह इसकी वीडियो शूट की थी, बट वो सॉरी डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे 2 भागों में। पहले हम कट करेंगे और फिर हाफ जो इसका पीस है उसको भी बीच में से इसे कट करके इसकी जो पत्तियां हैं यानी कि पेटल्स जो होते हैं उसको हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से पीसीज हैं उसको इस तरीके से कट करना हमने। और फ्रेंड्स अब हम लेंगे यहाँ पर एक भारे तरीके में कढ़ाई लिए, इसमें हम डालेंगे बेसन 3 से 4 चम्मच करीब हम बेसन ले रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल जले ना, इसको लगातार चलाते हुए भूने जब तक कि अच्छे से इसमें खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो तब तक हम इसे भूनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका बेसन का कलर जो हल्का सा चेंज हो गया, हमने गैस को बंद कर दिया क्योंकि जो कढ़ाई है बहुत गर्म है, तो इसको भी हम इस तरह से चलाते हुए थोड़ा और भून रहे हैं। बेसन भून गया है तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। तो अब हम लेंगे यहाँ पे वही सेम कढ़ाई जिसमें हमने बेसन भुना था, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला, इसको गर्म कर लेंगे तेल को अच्छे से। तो फ्रेंड्स तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया, गैस की आंच को कम कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे एक शिमला मिर्च डाल के देख रहे हैं कि जो हमारा तेल वो अच्छे से गर्म हुआ है नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए शिमला मिर्च बिल्कुल जली नहीं है, तो हमारा जो तेल है सही परफेक्ट गर्म है। तो हम बाकी की शिमला मिर्च डाल के इसको हम हल्का फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। शिमला मिर्च बिल्कुल ग्रीन दिखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें शिमला मिर्च पकनी नहीं चाहिए और ना ही जलनी चाहिए, बस इसे हमें हल्का फ्राई करना है क्योंकि जब हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो इसका टेस्ट हमें जब हम इसे खाएं तो एक क्रंची सा टेस्ट दे, बहुत ज़्यादा गले ना शिमला मिर्च। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी शिमला मिर्च बिल्कुल जली भी नहीं है और हल्का हमने फ्राई भी इसको कर लिया है और इसका रंग भी बिल्कुल हरा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से सेम हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो प्याज है वो हल्का फ्राई हो गया है और अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई कर लिया है, तो अब हम वही कढ़ाई ले रहे हैं जिसमें हमने अभी शिमला मिर्च और प्याज तले थे। तो उसी तेल में हम डाल देंगे 3 से 4 तेज पत्ते, इसको हम हल्का भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सरसों, आधा चम्मच करीब हमने सरसों डाल दिया है। और अब हम डाल रहे हैं इसमें आधा चम्मच करीब जीरा, इसको भी हम कुछ सेकंड्स भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी हींग, हम इसमें डाल रहे हैं। हींग जो होती है वो डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो उसको स्किप ना करें। और अब हम इसमें डालेंगे ये 3 मीडियम साइज प्याज है, इसको हमने बारीक काट के इसमें हम डाल देंगे और इसको हल्का फ्राई होने तक भूनेंगे क्योंकि हम इसमें लहसुन भी डालेंगे तो वो उसके साथ भी प्याज फ्राई होगा। तो फ्रेंड्स प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन और इसको भी चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लहसुन प्याज सब अच्छे से हमारा भुन गया है, तो हमने इसमें डाल दिया 2 मीडियम साइज टमाटर हमने काट के डाल दिए हैं इसमें, इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब नमक, नमक स्वाद अनुसार डालें। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच करीब गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें डालिए 1/4 चम्मच करीब दालचीनी पाउडर और अब इसमें डाल रहे हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे, इस तरीके से हम मिक्स कर दिया हमने सारे मसालों को। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, करीब 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी ली है, इसे हाथ से हम क्रश करके इसमें डाल देंगे और इसको भी चला देंगे एक बारी। बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो हमारा अच्छे से पक जाए। तो इसको एक बार हम चला लेंगे और ढककर 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे मसाले को, बीच में हम 1-2 बार चेक भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा जो है अच्छे से भुन गया है। ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हमारा मसाला भुन गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर हमने 4 चम्मच करीब दही ली है जिसको हमने अच्छे से पहले फेंट ली। तो फ्रेंड्स दही डालने से पहले गैस की आंच को कम कर ली, हमने गैस की आंच को कम कर लिया है और अब हम इसमें दही भी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही डालते समय गैस की आंच को कम कर लें, अगर तेज आंच में दही को आप डालेंगे तो दही जो है फट जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसमें डाल दिया 1 ग्लास करीब पानी, तो जिस तरह से आपको ग्रेवी चाहिए, पत्ती चाहिए, गाढ़ी चाहिए, तो उस हिसाब से आप पानी डालें।
तो हमने यहाँ पे एक गिलास करी पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब हम इसे ढक देंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि जो भी मसाला तले में लगे ना। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है, ये देखिए ग्रेवी हमें थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला सब्जी में अच्छे से लग जाए। और ढककर मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमने शिमला मिर्च को फ्राई भी किया था तो जल्दी से कुक हो जाएगा। 2 मिनट हो गए, सब्जी चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी जो है हमारी अभी पकी नहीं है। शिमला मिर्च को हमें ओवर कुक नहीं करना है, ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ इसे पकाना है ताकि जो उसका टेस्ट हो बरकरार रहे। तो ढक के हम इसे पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और टेस्ट का तो आप इसका पूछो मत, बहुत ज़्यादा गजब की, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। जब शिमला मिर्च मुँह में जाती है तो हल्की सी क्रंची लगती है और ग्रेवी देख रहे होंगे आप बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ी बनी है ना ज़्यादा पतली बनी, सभी मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर मुँह में आता है और हल्की सी खट्टी खटास इस सब्ज़ी में लगती है, हल्की सी खट्टी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी को बनाती है। फ्रेंड्स बहुत कम समय में आप इस सब्जी को बना सकते हैं, घर पर अगर मेहमान आ जाए या कभी भी आपका मन करे कुछ अलग सा खाने को तो आप इस सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। घर पे कभी आलू भी खत्म हो जाते हैं, आप बिना आलू के शिमला मिर्च को फटाफट से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी शिमला मिर्च की सब्जी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल घर का खाना सेहत हज़ानो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बने और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।